तो गाइस अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि गाइस सर ऐसा कौन सा प्लेयर है जो कि मोबाइल में सबसे ज्यादा फास्ट खेलता है फ्री फायर गेम को, तो गाइस सर आप लोग के दिमाग में अलग अलग नाम आ रहे होंगे। किसी के दिमाग में आ रहा होगा एमिटेन, किसी के दिमाग में आ रहा होगा राइस्टार, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कुछ अलग प्लेयर का नाम। बट गाइस लिटरली आज मैं आप लोग को कुछ ऐसे प्लेयर से मिलवाने वाला हूँ जो कि वर्ल्ड के टॉप 5 फास्टेस्ट मोबाइल प्लेयर्स होने वाले हैं। और गाइस लिटरली उनसे ज्यादा फास्ट आप लोग खेलने वाला बंदा मुझे बता दो तो एक बारी के लिए मैं उसको चेकआउट कर लूंगा। और कभी अगर इन फ्यूचर मैं एक वीडियो दोबारा बनाऊँ टॉप 5 मोबाइल प्लेयर्स के ऊपर, तो गाइस मैं उनको उस लिस्ट में जरूर से इंक्लूड करूंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में जितने भी प्लेयर्स होने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आप लोगों ने उनका नाम तक नहीं सुना होगा, बट गाइस आज उसका गेम प्ले देखने के बाद आप लोग भी बोलोगे कि भैया ये क्या खेल रहा है, ये कितना अलग लेवल का खेल रहा है। तो गाइस सर इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक गेम हम लोग रखते हैं इस वीडियो का 20K का ओनली, आप लोग इजीली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस सबसे ज्यादा कमाल की बात तो इस वीडियो की ये है कि गाइस मैं आप लोगों को केवल प्लेयर्स का नाम बताने वाला हूँ, वो किधर से बिलोंग करते हैं ये बताने वाला हूँ, एंड गाइस मैं आप लोगों को उनका गेम प्ले भी दिखाऊंगा। एंड गाइस आप लोग को वोट करना है उन प्लेयर्स को ताकि वो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आ सके। तो गाइस सर आप लोग को उनको वोट करने के लिए तो पता ही होगा उनके नाम का हैशटैग लगाना पड़ेगा जिसके कारण उनको वो वोट जाएगा। एंड गाइस वो आप लोग के वोट के कारण नंबर 1 पे आ सकते हैं, जिसके नाम के सबसे ज्यादा हैशटैग लगे वो ही जीतेगा आज के इस मुकाबले को। तो गाइस आज की हमारी इस टॉप 5 की लिस्ट में मैं आप लोग को सबसे पहले जिस प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ उस प्लेयर का नाम है अलोन बॉय FF। अभी गाइस सर आप लोग ये मत सोच रहे कि मैंने अलोन बॉय FF को इस लिस्ट में 5th नंबर पे रखा है। जी हाँ गाइस मैं आप लोग को बस इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग को इस बंदे का गेम प्ले पसंद आएगा तो गाइस सर आप लोग को हैशटैग अलोन बॉय FF लिखकर इनको वोट कर देना है। तो जी हाँ गाइस ये हमारे अलोन भाई, ये रहने वाले हैं हमारे इंडिया से ही। और गाइस सर लिटरली इनका गेम प्ले काफी ज्यादा ओपी है, ये स्नाइपर काफी ज्यादा अच्छी चलाते हैं, ये हर एक गन को यूज करना जानते हैं। एंड गाइस हमारे फ्री फायर में कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि स्नाइपर तो बहुत ओपी चला देते हैं, बट गाइस बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि स्नाइपर से कुछ इस तरीके के वन टैप हेडशॉट मारते हैं। जी हाँ गाइस ये स्नाइपर से वन टाइप हेडशॉट मार रहे हैं, और ये बंदा हमारा इंडिया का ही रहने वाला है। क्या आप लोगों ने कभी इस तरीके का गेम प्ले देखा था? और गाइस केवल स्नाइपर ही नहीं, ये बहुत सारी गन्स ऐसी है जो कि काफी ज्यादा ओपी चलाते हैं। प्लस गाइस जो इनका गेम प्ले है लिटरली इनसेन, बहुत ज्यादा फास्ट गेम प्ले ये करते हैं। तो गाइस अगर आप लोग को हमारे अलोन भाई का गेम प्ले पसंद आया है बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों का गेम प्ले पसंद आया तो गाइस सर आप लोग को हैशटैग अलोन बॉय FF लिखकर इनको सपोर्ट कर देना। गाइस सर ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया में जो कि काफी ज्यादा अच्छा खेलते हैं, केवल इंडिया में ही नहीं पूरे इंडिया सर्वर में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छा खेलते हैं, बट गाइस कहीं ना कहीं वो अंडर रेटेड रह जाते हैं, यानी कि गाइस सर उनको पहचान नहीं मिलती। तो गाइस अगर आप लोग भी किसी ऐसे प्लेयर को जानते हो जो कि अंडर रेटेड है और उसको पहचान मिलनी चाहिए, तो गाइस सर आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर LuffyOP05 करके सर्च करना है, मुझे जाके फॉलो कर देना। एंड गाइस सर आप लोग मुझे अपनी स्टोरी में टैग कर सकते हो उसका गेम प्ले डालकर, और उसको मेंशन करके उसके चैनल का नाम बता के मैं जाके चेकआउट करूंगा। एंड गाइस अगर मुझे उसका गेम प्ले पसंद आएगा तो हो सकता है मैं उसको शाउट आउट दूं अपनी वीडियो में। तो गाइस वो तो रही बात की बात, उससे पहले हम लोग बात करेंगे अभी नेक्स्ट प्लेयर के बारे में। तो जी हाँ गाइस अभी हमारे अलोन बॉय FF के बाद मैं आप लोग को जिस प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ वो होने वाला है हमारे इंडिया से ही। एंड गाइस लिटरली उस बंदे के चाहने वाले एक नेक्स्ट लेवल के हैं। एंड गाइस ये बंदा मोबाइल में क्या पीसी में भी आजकल अपनी दांत जमा रहे हैं, और इस बंदे का नाम है स्टार का स्टार राइस्टार। तो गाइस राइस्टार भाई के चाहने वाले तो एकदम नेक्स्ट लेवल के, बट गाइस राइस्टार भाई के फैन से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि भाई कमेंट सेक्शन में राइस्टार राइस्टार लिखकर इतना ज्यादा स्पैम मत कर देना कि भाई बाकी लोगों का मुझे नाम ही ना देखने को मिले। और मुझे भी पता है कि भाई राइस्टार भाई का नाम जिस लिस्ट में आ जाता है भाई वोटिंग का अगर मामला हो तो राइस्टार भाई को हरा पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन गाइस मैं आप लोग को फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि गाइस अगर आप लोग राइस्टार भाई के फैन हो और आप लोग चाहते हो कि राइस्टार भाई इस लिस्ट में नंबर 1 पे आए, तो गाइस आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाना है, हैशटैग राइस्टार लिखकर इनको सपोर्ट कर देना है। तो गाइस राइस्टार भाई का गेम प्ले तो आप लोग को भी पता है कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, बहुत सारे लोग इनको हैकर बोला करते थे। अब हैकर बोलने की वजह भी कुछ ये थी कि गाइस आप लोग को भी पता है कि राइस्टार भाई ने तो अपना वॉइस तक रिवील नहीं किया था आज से कुछ टाइम पहले, चाहे वो फेक वॉइस क्यों ना हो। जी हाँ गाइस राइस्टार
भाई कभी भी बात नहीं किया करते थे, और कहे सर राजेश भाई DPI यूज किया करते थे बहुत टाइम पहले, जो कि यार आजकल नॉर्मल हो चुकी है, लगभग लगभग हर एक बंदा यूज करता है DPI अगर वो टूर्नामेंट प्लेयर ना हो तो। जी हाँ गाइस, अगर वो टूर्नामेंट प्लेयर ना हो तो DPI लगभग लगभग हर एक बंदा यूज करता है आज के दिन पे फास्ट गेम प्ले बनाने के लिए। तो गाइस सर राइस्टा भाई ने कुछ इस टाइम पे DPI को इन्वेंट किया था जब किसी को DPI के बारे में नहीं पता था, एंड गाइस उस समय लोग सोचने लगे थे कि राइस्टा भाई एक हैकर है, और गाइस बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हुई इतनी ज्यादा कि लोग हैकर बोल के राइस्टा भाई को स्टार बना दिया। जी हाँ गाइस, राइस्टा भाई को स्टार बनाने वाले उनके हेटर्स ही हैं। तो गाइस अगर आप लोग हमारे राइस्टा भाई के फैन हो, आप लोगों को मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ कि भाई आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर #राइस्टा लिखकर इनको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो इस लिस्ट में नंबर 1 पे आ सके। तो गाइस अभी हमारे राइस्टा भाई के बाद अभी मैं आप लोग को जो नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ, ये बंदा रहने वाला है वैसे तो ब्राजील से, बट गाइस इस बंदे का मानना है कि भाई इससे ज्यादा फास्ट कोई मोबाइल में खेल ही नहीं सकता। हाँ गाइस, इसने बहुत बार ऐसा दावा ठोका है कि भाई ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मोबाइल प्लेयर है। तो गाइस अभी मैं आप लोग को जिस बंदे के बारे में बताने वाला हूँ, उस बंदे का नाम है White FF। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि भाई White FF और White 444 में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। जो White 444 है वो एक PC प्लेयर है, और जो White FF है वो एक मोबाइल प्लेयर है, और वो रहने वाला है ब्राजील का। गाइस सर आप में से बहुत सारे बंदों के बीच में ये कंफ्यूजन रहते कि White FF और White 444 में क्या फर्क है, तो गाइस मैंने आप लोग को बता दिया। अभी गाइस आप लोग जो गेम प्ले देख रहे हो ये है हमारे White FF का, और लिटरली गाइस मैं आप लोग को बताऊं कि भाई ये बंदा बहुत ज्यादा फास्ट खेलता है, जैसे कि आप लोग देख भी रहे होगे। और गाइस जितने भी बंदे इसको जानते हैं, जितने भी बंदे इसका गेम प्ले देखते हैं, तो भाई वो इसको रेगुलर में फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि गाइस लिटरली ये बंदे के गेम प्ले में जो स्मूथनेस है ना, वो शायद ही पूरे वर्ल्ड के किसी मोबाइल प्लेयर्स की गेम प्ले में देखने को मिलेगी आप लोगों को। लिटरली गाइस इतना ज्यादा स्मूथ गेम प्ले, प्लस गाइस जो इसकी शॉटगन की स्किल है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। जी हाँ गाइस, एकदम नेक्स्ट लेवल, ये शॉटगन बहुत ज्यादा अच्छी चलाता है। गाइस अगर ये वीडियो होती Top 5 शॉटगन किंग के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ये बंदा उसमें नंबर 1 पे जरूर से होता, क्योंकि गाइस ये लिटरली बहुत ज्यादा OP लेवल का शॉटगन चलाता है। बट गाइस क्या आप लोग को लगता है कि ये बंदा पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मोबाइल प्लेयर है? अगर आप लोग को लगता है तो गाइस सर आप लोग को #WhiteFF लिखना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग ये मत सोचेगा कि आप लोग की कंट्री से नहीं है तो आप लोग इसको सपोर्ट नहीं करोगे। जी नहीं गाइस, आप लोग को किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करना है, आप लोगों को गेम प्ले को यहाँ पर सपोर्ट करना है। हाँ गाइस, आप लोग को गेम प्ले को सपोर्ट करना है, और आप लोग अगर एक सच्चे फ्री फायर के प्लेयर हो तो गाइस सर आप लोग गेम प्ले को ही सपोर्ट करोगे, जाहिर सी बात है। तो गाइस सर आप लोग अगर हमारे White FF के गेम प्ले के फैन बन चुके हो, या तो आप लोग को ऐसा लगता है कि White FF पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट खेलते हैं, तो गाइस सर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाकर #WhiteFF लिखकर इनको वोट एंड सपोर्ट कर देना होगा। तो गाइस हमारे White FF के बाद अभी मैं आप लोग को जो नेक्स्ट प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ, वो बंदा उसका नाम है WZingFF। और लिटरली गाइस जब मैंने इस बंदे का गेम प्ले देखा था, मैं भी एकदम स्तब्ध हो गया था, एकदम मैं हक्का बक्का रह गया था कि भाई ये कितना अलग लेवल का खेलता है। लिटरली गाइस सर आप लोग इसका गेम प्ले देखो, इनका गेम प्ले एकदम नेक्स्ट लेवल है। और गाइस ऐसे बहुत सारे फ्री फायर में क्रिएटर्स हैं जो कि गेम प्ले वीडियोस डालते हैं मोबाइल में, वो लोग गेम प्ले करते हैं, उनका गेम प्ले बिल्कुल भी फास्ट नहीं है, स्टिल गाइस वो लोग मिलियंस में बैठे हैं, और हमारे WZingFF जैसे जो प्लेयर्स हैं उनको कोई जानता तक नहीं। लिटरली गाइस सर आप ऐसे बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि यार हमारे ZingFF को जानते होंगे। तो गाइस अगर आप लोग हमारे WZingFF भाई के फैन हो, तो गाइस सर आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को अगर ऐसा लगता है इनका गेम प्ले देखने के बाद कि हाँ भाई ये डिजर्व करता है वर्ल्ड का नंबर 1 स्पॉट हमारे फास्टेस्ट मोबाइल प्लेयर की लिस्ट में, तो गाइस आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाकर #WZingFF लिखकर इनको सपोर्ट कर देना होगा। लिटरली गाइस मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि भाई अगर मुझे वोट करना होता तो मैं इसी बंदे को करता, मैं आपको अपनी दिल की इच्छा बता रहा हूं, क्योंकि गाइस यार सही में ये बंदा डिजर्व करता है, इसका गेम प्ले बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा। तो गाइस सर अभी हमारे WZingFF के बाद में आप लोग को जिस प्लेयर के बाद में बताने वाला हूं, वो लिटरली मेरा फेवरेट प्लेयर होने वाला है, और गाइस ये बंदा रहने वाला है हमारे इंडिया का ही। और गाइस ये बंदे का जो प्लेइंग स्टाइल है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है, और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो इसका प्लेइंग स्टाइल है वो इन सारे के सारे प्लेयर से एकदम हटकर होने वाला है। और गाइस लिटरली आप ऐसे बहुत सारे लोग इनके बहुत बड़े फैन भी होंगे। अभी गाइस सर आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई इतना पका क्यों रहा है, जल्दी से उसका नाम बता दे। तो जी हाँ गाइस, मैं जिस बंदे के बारे में बात करने वाला हूँ वो होने वाला है हमारे इंडिया से, और उसका नाम है TG
डिलेट। जी हाँ गाइस, ये वही बंदा है जिसने आजकल ई स्पोर्ट में आग लगाई हुई है। हाँ गाइस, इसके बाद ही आने से हमारी जो टोटल गेमिंग की टीम है वो एकदम अलग लेवल में पहुंच चुकी है। हाँ गाइस, ये वही प्लेयर है जिसने एकदम आग सी लगा रही है पूरी की पूरी ई स्पोर्ट कम्युनिटी में कि भाई ऐसा कौन सा बंदा आ गया कि इसके होने से पूरी की पूरी जितनी भी ई स्पोर्ट टीम्स है सब की सब डरती है आजकल हमारे टोटल गेमिंग से। और लिटरली गाइस, जो इसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ओपी है, और शायद ही कोई एक ऐसा ई स्पोर्ट प्लेयर होगा जो कि इतने ज़्यादा जल्दी नाम पे आया है, इतना ज़्यादा जल्दी फेम पे आया है, हमारे आंखों के सामने आया है। ऐसे बहुत सारे ई स्पोर्ट के प्लेयर्स हैं जो कि काफ़ी टाइम लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करते हैं, उसके बाद जाके वो अपना नाम बना पाते हैं। बट गाइस, टीजी डिलीट में वो काबिलियत थी, टीजी डिलीट में वो क्षमता थी कि लोग उसको जानने लगे उसके गेम प्ले के चक्कर में। उसने जो गेम प्ले करके दिखाया है बड़ी बड़ी टीम्स के सामने वो एकदम नेक्स्ट लेवल था। तो गाइस, अगर आप लोग एक ईस्पोर्ट लवर हो और गाइस अगर आप लोग को टीजी डिलीट का यहाँ पर गेम प्ले पसंद आता है तो गाइस आप लोग इनको वोट करना ही होगा, क्योंकि गाइस लिटरली ईस्पोर्ट में इतना फास्ट गेम प्ले करना भी एकदम अलग सी बात होती है, बहुत ज़्यादा टफ बात होती है। हालांकि ये सारे के सारे जितने भी प्लेयर्स मैंने आप लोग को अभी इससे पहले मैंने लिस्ट में बताए वो भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन गाइस टीजी डिलीट भाई इन लोगों से अलग लेवल में, ये बात आप लोग भी मान दोगे। तो गाइस, अगर आप लोग हमारी टीजी डिलीट को सपोर्ट करते हो तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में जाकर #TGDilit लिखकर इनको सपोर्ट कर देना होगा। तो गाइस, फिलहाल के लिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।